माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आइए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपने देखा होगा कि अगर ग्राफ कुछ इस तरह से हो तो फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, और अगर ग्राफ कुछ इस तरह से हो तो फंक्शन इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे। मान लीजिए कि एक पॉइंट है एक्स, दूसरा पॉइंट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर पॉइंट है वो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर पॉइंट है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो पॉइंट हुआ आपका एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट आपका हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका स्लोप अगर इसको ज्वाइन करें तो स्लोप होगा ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, निग्लिजिबल हो, तो ये जो चीज़ है राइट साइड की, ये हो जाएगी एफ डैश एक्स। अब नोटेबल थिंग है कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अ वैल्यू लाइंग ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लाई करने वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और एफ ऑफ एक्स भी है। तो इस केस में आप देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से बड़ी है। इस केस में आप देखेंगे अगर ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स से क्या है? कम है। इस केस में ज़्यादा है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस होगा पॉजिटिव। और ये भी देखिए आप, डेल्टा एक्स हमेशा क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव एक्स। और इधर ऐसे भी देख सकते हैं आप, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज बिगर देन एक्स, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो और ये किसके बराबर है? एफ डैश एक्स के। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो इन अ पर्टिकुलर इंटरवल आई वन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन। अब दूसरा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होना? तो इसका ऑपोजिट होना, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन जीरो। तो टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऑल इन ऑल आप ऐसे समझें कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स को जीरो से बड़ा होना, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स को जीरो से छोटा होना। अगर इस तरह से होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड होता है। अब एक मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें हमें इंटरवल पता लगाना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, फाइंड इंटरवल्स वेयर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये सिंबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही लिखा होगा।
अब क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस फोर। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू बिगिन इट विद एफ डैश एक्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस टू एक्स माइनस टू। नाउ इक्वेट इट विद जीरो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया, मतलब टू एक्स माइनस टू को जीरो पुट किया, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आई वन। अब आपके पास एक्स की वैल्यू वन आई, तो आप रियल नंबर जो है, रियल इंटरवल है आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो फैला हुआ है, रियल नंबर का एक्सपेंशन जो उसका इस रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है रियल नंबर। अब इसमें एक क्रिटिकल वैल्यू आई आपके पास वन, वो वन यहाँ पर आप मार्क कर दें कहीं पर भी इसके बीच में। ये ना सोचे कि ये जीरो है, अगर आपको ये लगता हो कि ये जीरो होना चाहिए तो आप इधर थोड़ा सा कर दें जीरो, एक्स्ट्रा मार्क करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप वन से छोटी वैल्यू लो और वन से छोटी वाली वैल्यू इसके अंदर रखो, किसके अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर। आप एफ डैश एक्स में रखो वन से छोटी वैल्यू, तो क्या बोलेगा एफ डैश एक्स, वन से छोटी वैल्यू होगी कोई भी, जीरो माइनस वन माइनस टू कुछ भी रखें। मान लीजिए आपने जीरो ली और जीरो यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो टू इंटू जीरो माइनस टू इज माइनस टू, नेगेटिव। और वन से कोई बड़ी वैल्यू ली टू, यहाँ रखी टू, टू जा फोर माइनस टू, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इस भाग में, इस इंटरवल में फंक्शन आपका नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इस वाले भाग में जहाँ ये पॉजिटिव है इसमें इंक्रीजिंग है। ये इंटरवल जो हमने इम्पोज किए हैं इस तरह के, हमें ओपन इंटरवल लगाने की ही परमिशन है, हम अपने से क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, हम अपने से इस तरीके का इंटरवल यूज़ नहीं देंगे करेंगे। पर क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा। एक ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें इंटरवल क्लोज दिया होगा, तब हम देखेंगे। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ से लेके आगे तक, ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और वन से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। आइए इसी तरीके का एक और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले आप क्या करें, एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, वन बाई थ्री बाहर, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू बाहर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू एक्स का टू, वन का जीरो। अब आप देखिए, मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन सोच के लिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आप इसके फैक्टर बना लीजिए। तो अब अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो यू विल फाइंड टू वैल्यूज, टू क्रिटिकल वैल्यूज, वन एंड टू। तो आप रियल लाइन को दो भागों में इसमें तोड़े, एक तो वन पॉइंट पे तोड़ दे, एक दो टू पे तोड़ दे। अब वन से छोटी वैल्यू ले और एफ डैश एक्स में डालें, एफ डैश एक्स में डालें, वन से छोटी वैल्यू जीरो, जीरो लीजिए, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस टू इज प्लस टू। तो यहाँ आया प्लस, मतलब इस पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। वन से टू के बीच की कोई वैल्यू ले, 1.5,
1.5 माइनस 1 0.5 विच इज पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें डिक्रीजिंग हो गया। अब इसमें देखिए 2 से बड़ी वैल्यू ले 3, 3 माइनस 1 कोई भी ले ले 3, 4, 5, 6, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। तो कहाँ का फंक्शन इंक्रीजिंग है? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूनियन, कहाँ से कहाँ तक? आगे तक 2 टू इन्फिनिटी, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1 टू 2, इस वाले पार्ट में इंक्रीजिंग, इस वाले पार्ट में डिक्रीजिंग। इस तरीके से हमने पता लगाया कि एफ एक्स कहाँ इंक्रीजिंग है, एफ एक्स कहाँ डिक्रीजिंग है। अब आपको मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें इंटरवल मेंशन है। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इसका बेसिक सेंट्रल आइडिया एक ही जैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब तीसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 इन क्लोज इंटरवल 0, π। कभी कभी 0 to π/2 दिया होता है और कभी 0 to π, हमने जानबूझ के 0 to π लिया ताकि आपको ज़्यादा समझने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एफ डैस एक्स साइन एक्स टू द पावर 4 का पहले पावर का, फिर साइन एक्स का, पहले पावर का फिर कॉस एक्स का। अब आप क्या करें, डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं या पहले 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लें, तो ब्रैकेट में आएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसको किसी फॉर्मूले से कोरिलेट कर रहे होंगे, इसको ऐसा लिखें 2 times 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इससे माइनस कॉमन ले लें, ये आ गया 2 times sin 2x ये फॉर्मूले से, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2x फॉर्मूले से। माइनस बाहर ले लें, 2 times sin 2x कॉस 2x, अगेन अप्लाई द फॉर्मूला एंड इट बिकम्स साइन 4x। अब अगर आपने एफ डैश एक्स इसको 0 से इक्वेट किया तो देखिए क्या होने वाला है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज साइन 4x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा 4x की वैल्यू क्या होगी, जब साइन 0 होता है तो 4x की वैल्यू आपने पढ़ी होगी n π होती है, वेर एन बिलोंग्स टू वॉट, एन इज एन इंटीजर, मतलब 4x की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π प्लस माइनस 4π एंड सो ऑन। पर अब देखिए कि x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस π/4 प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/4 प्लस माइनस पाए। अब जो वैल्यूज हमारे इंटरवल में लाए करने वाली है इस क्लोज इंटरवल में, वो वैल्यू है 0 π/4 प्लस π/4 π/2 3π/4 और पाए, बस इतनी वैल्यूज लाए कर रही हैं। तो हम रियल लाइन को इसमें ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते, हम पूरी रियल लाइन को इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ये हमारी रियल लाइन हो गई, कहां से कहां तक? अब हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 0 to π क्योंकि हमको इंटरवल डिफाइन किया था उन्होंने, तो 0 to π। अब इसमें लाई करने वाली वैल्यू कौन सी है, 0 और पाए, ये तो एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये मार्क की हुई है।
अब तीन वैल्यू है, एक है पाई बाय फोर, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय फोर। अब जीरो से पाई बाय फोर के बीच की वैल्यू कोई ले, ये 45 डिग्री है। अगर आप पाई में कंफर्टेबल नहीं हो तो डिग्री ले ले, ये है 90 डिग्री। इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, आप डिग्री में भी लिख सकते हैं। जीरो से 45 की वैल्यू है, बीच की वैल्यू है 30 डिग्री। अगर आप 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तो ये एफ डैश एक्स में रखना है क्योंकि सारी वैल्यूज, तो एफ डैश एक्स में रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास हो जाएगा, अगर आपने 30 डिग्री ली यहाँ से और इसके अंदर रख दी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4 × 30 डिग्री, माइनस साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री मतलब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और वो मल्टीप्लाई है नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब आप कोई वैल्यू पाई बाय फोर और पाई बाय टू के बीच की, यानी 45 और 90 के बीच की 60 डिग्री ले लें, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 4 × 60, 4 × 60 यानी 240। 240 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, थर्ड में आएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव है और ये नेगेटिव मिला के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप कोई वैल्यू 90 से बड़ी और 135 से छोटी, 120 डिग्री, 120 डिग्री लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 4 × 120, 480। 480 कहाँ पे आया, तो 360 तक, तो आप यहाँ आ गए। 360 के बाद 90, 450, तो 480 है ये, तो 480 आपका यहाँ आएगा। 480 साइन यहाँ पे प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाइड है तो माइनस। इसी तरीके से 135 से बड़ी और 180 से छोटी वैल्यू लेने पे आपको प्लस आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, ये तो इंटरवल्स क्लोज्ड उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं, पर हमें लगाने की परमिशन ओपन ही है, तो हम इसको ओपन ओपन में तोड़ देंगे। अब आप देखिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, इंक्रीजिंग है जहाँ जहाँ प्लस है, पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू, यूनियन थ्री पाई बाय फोर से लेके पाई तक, पाई पे क्लोज्ड है क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है। डिक्रीजिंग कहाँ है, तो डिक्रीजिंग है जहाँ नेगेटिव है, जीरो टू पाई बाय फोर यूनियन पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय फोर। जीरो पे क्लोज क्यों है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस एंड डिक्रीजिंग इन दिस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका एक बहुत अच्छा सवाल है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या था क्वेश्चन का फॉर्मेट वो मैं पहले आपको बताऊंगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 2015 में आया था। ऐसा माना जाता है कि 2015 और 16 के पेपर, और एक और उससे पहले पूछा गया था 2013 का पेपर, ये 3 सालों में बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर आए थे, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और उस उन पेपर से इन्फरेंस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। 2017 में जो CBSE बोर्ड का पेपर था वो अच्छा पेपर था, 18 में भी अच्छा आया और होपफुली 19 में भी पेपर अच्छा आएगा, एंड आई होप यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पेपर। तो आइए हम उस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और वो किस तरीके से पूछा था जरा उसको लिखता हूँ मैं। प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू 4 sin theta अपॉन 2 + cos theta माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो इसमें एफ एक्स की जगह वाई दिया हुआ है और एक्स की जगह थीटा, तो घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले dy/dθ निकालें आप क्वोशेंट रूल लगा के, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4 cos θ माइनस 4 sin θ एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस साइन थीटा 2 का 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1, भूलना नहीं है आपको क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 8 cos θ
4 cos theta into this, 4 cos square theta plus 4 sin square theta माइनस, इसको आप उधर भेज दें, एट कॉस थीटा प्लस फोर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फोर कॉस थीटा। अब देखिए, एट कॉस थीटा माइनस प्लस फोर, दिस इज वन वेरी वेल नोन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, माइनस फोर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा होल अपॉन टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, फोर फोर कैंसिल, देखिए एट कॉस थीटा माइनस फोर कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन, फोर माइनस कॉस थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप सोचिए कि कॉस थीटा माइनस फोर माइनस कॉस थीटा कैन नॉट बी जीरो, व्हाई? क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू है मैक्सिमम वन है और मिनिमम माइनस वन है, तो फोर माइनस कॉस थीटा कैन नॉट बी जीरो, टू प्लस इवन टू प्लस कॉस थीटा कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर भी नहीं हो सकता, तो विच कैन बी जीरो, तो अब जीरो होना बचा है कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू होगी प्लस माइनस पाई बाय टू प्लस माइनस थ्री पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, जब कॉस थीटा जीरो होता है तो थीटा होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अब हमें जो इंटरवल दिया है वो दिया है जीरो टू पाई बाय टू, कि आपको इसी में स्टडी करना है, इंटरवल है जीरो टू पाई बाय टू, तो इस इंटरवल में लाई करने वाली वैल्यू एक ही है, कौन सी वाली है इसमें, पाई बाय टू, तो यहाँ पाई बाय टू है और फिर इसके पीछे, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो रेंज है जो डोमेन है जो हमें दिया है स्पेस वो ये है, तो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लें, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो जीरो टू पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड यू नो दिस कॉस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, तो ये जो लिखा हुआ था डी वाई बाय डी थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका जो y है, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय टू, हेंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CBSE 2015 फॉर 6 मार्क्स, एंड यू कैन सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज, आपने देखा और बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करें, रियल लाइन पे उसको मार्क करें, रियल लाइन पे मार्क करने के बाद एफ डैश की वैल्यू देखें कि प्लस है माइनस है क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसको ब्रेक करें, अगर आप इसको पूरा नहीं भी कर पाते बहुत कुछ कर लेते हैं तो भी आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपने देखा कि कितना सरल और बड़ा आसान सा तरीका है इसे सॉल्व करने का, तो इस के साथ मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।